द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की आज ली शपथ। दादरा नगर हवेली के खानविल विस्तार में लोगों ने मनाई खुशियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलवासा न्यूज लाइन में। देश के प्रथम नागरिक बनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति बन शपथ ग्रहण लेने के बाद दादरा नगर हवेली के ग्रामीण क्षेत्र खानविल में दिखा जश्न का माहौल। स्थानीय ग्रामीण अग्रणी संजय राउत, शांतु पवार, रमेश कड़ू, लाड़क मिशाल, सोनजी कुरकुटिया, अबलू वाघेला, गोपी भाई सहित अन्य ग्रामीणों ने एकजुट होकर खानविल के मुख्य चार रस्ते पर पटाखे फोड़े एवं सड़कों पर आवाजाही कर रहे राहगीरों को भी मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी को जाहिर किया। देखिए इन्होंने हमसे क्या बात कही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आसपास की खबरों से बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त मैं खानविल विस्तार में हूं, जहां पर तमाम आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं इस वक्त हमारे साथ एकत्रित हो रहे हैं। कारण यह है कि देश में जिस तरह से राष्ट्रपति महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ और आज वो शपथ ले चुकी है, तमाम चीजों में जिस तरह से स्थानीय आदिवासियों में किस तरह की खुशी का माहौल देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है। इस वक्त आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं खानविल के चौराहे पर हूँ, जहाँ पर खानविल का मुख्य चार रास्ता है, जहाँ दूसरी तरफ अब अगर ध्यान देंगे तो देखिए किस तरह से स्थानीय जो लोग हैं इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। आइए जानते हैं उन लोगों से कि किस तरह का माहौल है और किस तरह से आज यहाँ पर खुशियाँ बनाई जा रही है, किस तरह से बताएंगे, क्योंकि खास तौर पर जो देखा कि आप लोग मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, स्थानीय लोग, यहाँ पर बारिश हो रही है लेकिन बारिश का परवाह बगैर किए यहाँ पर एकत्रित होकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का खुशी है आप लोगों में? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जनजाति की एक महिला राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पे निम्नलिखित की है, वो उतनी भी हुई है, इसलिए सभी आदिवासियों की ओर से न केवल दादरा नगर हवेली बल्कि पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ जो जो आदिवासी इलाका है वहाँ पे हर्षोल्लास हो रहा है और मजे से वो लोग अपने अपने परिवेश में डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो अपनी खुशी से समा नहीं पा रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे संजय भाई, खास तौर पर अगर बात किया जाए तो स्थानीय लोगों में किस तरह से आप लोगों का भी एक अलग पकड़ है, लेकिन खास तौर पर जो देखा जा रहा है उड़ीसा के आदिवासी परिवार से आने वाली ये महिला आज भारत के सबसे बड़े पद पर आसीन हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी का माहौल आप लोगों में मनाया जा रहा है? पहले तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हमारे प्रदेश से ढेर सारी शुभकामना हम देना चाहते हैं और हमारे प्रदेश में बहुत खुशी की लहर है और भारत देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद दिया गया है, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और आनंदित हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारा अनवेल विस्तार है, दुधनी विस्तार है, वहाँ पे भी ध्यान देगी और वहाँ पे ज्यादा करके आदिवासी विस्तार है, वहाँ पे आदिवासी लोग ही रहते हैं, तो बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब एक आदिवासी महिला जिस तरह से एक राष्ट्रपति पद पर बैठी है तो कहीं ना कहीं आप सब इसमें खुशी की जो एक मौका है वो आप लोगों को मिल गया, साथ ही साथ इतने बड़े पद पर बैठने के बाद कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश जो है वो भी आदिवासी क्षेत्र है जिसके लिए ये लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में एक चीज है जो चल रही है वो ये भी हो सकती है कि आने वाले दिनों में एक महिला जब आदिवासी महिला जब उस पद पर बैठी है तो कहीं ना कहीं इस विस्तार के लिए भी एक अलग तरह से नजरिया रखेगी। यहाँ पे आदिवासी विस्तार है तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट ही नजर रखेगी हमारे राष्ट्रपति जी प्रदेश के ऊपर और हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको भी हम लोग शुभकामना देना चाहते हैं कि वो ऐसी महिला हमारे आदिवासी समाज से जो राष्ट्रपति बनी है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग शुभकामना देना चाहते हैं और हमारे प्रदेश का विकास हो और इस तरह से हम लोग ये करना चाहते हैं। जी, ये थे संजय राउत जी और रमेश कड़ू जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से स्थानीय लोगों में इस तरह का खुशी है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर खुशियां मनाते हुए पटाखे फोड़ रहे हैं, देख सकते हैं बरसात हो रही है, झमाझम बारिश चालू है लेकिन लोग टस से मस नहीं हो रहे और खुशियां मनाने में जिस तरह से मशगूल नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखकर अंदाजा लग चुका होगा कि तमाम प्रदेश में आदिवासी विस्तार हो या किसी भी विस्तार में तमाम जगह पर लोग जो है भारी मात्रा में खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, खानविल।